हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू से शाम के लिए चटपटा सा नाश्ता, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी भी है। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी। तो चलिए अब हम बनाते हैं आलू का नाश्ता। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ है। बॉईल करके मैंने इसको ठंडा कर लिया हुआ है। इसके बाद जो है मैं इसको घसने की सहायता से घस लूँगी। अच्छे से हम घस लेंगे दोनों ही आलू को। हमें इसमें ज़्यादा आलू ऐड नहीं करना है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दो आलू ही लिया हुआ है। तो मैंने ये देखिए एकदम अच्छे से घस लिया हुआ है। अब जो मैं एक मिक्सी बाउल ले लूँगी, उसमें इस आलू को ऐड कर दूँगी। इसके बाद जब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे, ताकि लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा बनके एकदम रेडी है। आप भी ऐसा ही पेस्ट बना लें। इसके बाद मैं एक बाउल में इसको निकाल लूंगी। आलू को बाउल में निकालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी अजवाइन, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद जो है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिना पानी डाले हम एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया है। हम जो है इसको अच्छे से गूंथ लेंगे और एक डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा लग के रेडी है। अब जो मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, ताकि बेलने में हमें सहायता हो। अब जो मैं इसको बेल लूँगी, तो मैंने यहाँ पे बिना ही आटा के लगाए हुए हम इसको बेल लेंगे। एकदम अच्छे से ये बेल जाएगी। हमें एकदम रोटी जैसा ही पतला बेलना है इसे। ये देखिए, तो मैं एकदम रोटी जैसा पतला बेल लिया हुआ है। अब जो है आप शेप कटर से कट सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी बोतल के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन का यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया हुआ है। अब जो मैं चारों तरफ से इसको अच्छे से निकाल लूँगी, तो ये देखिए कितने अच्छे शेप में आ गई है। अगर आपके पास शेप कटर है तो आप डिफरेंट शेप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है सभी को। अब जो मैं फ्राई कर लूँगी, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑयल को गरम कर लिया हुआ था। हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे ही रखना है गैस को, ज़्यादा हाई नहीं करना है। अब मैं एक एक करके ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे ही करके फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो दोनों तरफ पलट के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ये देखिए अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ही सारे आलू के चिप्स को तल लिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी हुआ है। तो आप भी ऐसे ही बनाएं। तो होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।